अक्सर लोग मानसून में पहाड़ों पर जाने से कतराते हैं, मगर ये ट्रैक का नशा कहाँ रोक सकता है। इसलिए आज इस वीडियो में टॉप 5 ट्रैक डेस्टिनेशन के बारे में बताऊंगा जो मानसून में ही किए जाते हैं, और बजट के बारे में भी बात करेंगे। सो डोंट बी लेट, लेट्स गो अहेड। दिस इज आकाश एंड यू वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल द हिडन हेवन। मेरी लिस्ट में 5वें नंबर पे आता है द ग्रेट लेक कश्मीर। कश्मीर द ग्रेट लेक ट्रैक एक ऐसा ट्रैक है जहाँ पे देश से ही, अपने ही देश से नहीं, विदेशों से भी लोग इस ट्रैक को करने के लिए आते हैं। ये ट्रैक आपके मन को मोह लेगा, और ये ट्रैक पूरे ट्रैकिंग डेस्टिनेशन में काफ़ी फेमस है मानसून में करे जाने के लिए। ये ट्रैक थोड़ा सा लंबा है, 8 से 9 दिन का टाइम लगता है। ट्रैक का डिस्टेंस टोटल 90 किलोमीटर है। एल्टीट्यूड 13,800 फीट की हाइट पे, एल्टीट्यूड तो ज़्यादा नहीं है, लेकिन इसका मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट लेवल में ट्रैक काउंट किया जाता है। और बजट आपको करने के लिए इस ट्रैक को 15 से 20 हज़ार लगते हैं, दिल्ली टू दिल्ली की अगर हम बात करें तो। तो अगर आप थोड़ा सा लंबा बजट रखते हो, लंबे टाइम के लिए जाना चाहते हो, तो मानसून में ये ट्रैक सबसे बेस्ट ट्रैक डेस्टिनेशन में माना जाता है। जो 4थे नंबर पे मेरी लिस्ट में वो है ब्यास कुंड। ब्यास कुंड हिंदू धर्म के पौराणिक कथाओं से जुड़ा हुआ है। ब्यास कुंड मनाली और कुल्लू से होते हुए नदी जो बहती है वो उसका उद्गम सोर्स माना जाता है। ब्यास कुंड में महर्षि व्यास यहीं पर स्नान करने आते थे। इस ट्रैक को करने के लिए टोटल 3 से 4 दिन की रिक्वायरमेंट होती है, और इस ट्रैक में आपको 0 डे में पहले दिल्ली से मनाली आप जाएंगे, और फर्स्ट डे में मनाली से सोलंग नाला होते हुए धुंधी होते हुए बकरता जा पहुँचेंगे। टोटल 13 किलोमीटर का ट्रैक रहेगा। डे 2 में आप बकरता से ब्यास कुंड जाओगे, फिर ब्यास कुंड से बकरतज वापस आओगे। टोटल ये 6 किलोमीटर का आना जाना हो जाएगा, यानी 3 किलोमीटर वन साइडेड। फिर डे 3 में आप बकरतज से मनाली के लिए आप रवाना हो जाओगे। फिर उसके बाद से आप अपने डेस्टिनेशन दिल्ली या जहाँ के लिए हो आप वहाँ से बस बुक कर सकते हो। इस ट्रैक को करने के लिए टोटल 4,000 की रिक्वायर बजट है। इस ट्रैक को करने के लिए आपको गाइड की रिक्वायर्ड पड़ सकती है अगर आप बिगनर हो तो। अगर आपने पहले 3-4 ट्रैक किए हुए हैं, अगर आपको आइडिया है, तो कोई ज़रूरत नहीं है गाइड की। जो 3rd लिस्ट में है मानसून ट्रैक के अंदर, वो भृगु लेक है। भृगु लेक भी हिंदू धर्म की पौराणिक कथाओं से जुड़ा हुआ है। ये महर्षि भृगु के नाम से प्रसिद्ध है ये लेक। इस ट्रैक को करने के लिए टोटल आपको 3 दिन की रिक्वायरमेंट होती है, जहाँ पे 0 डे में आप दिल्ली से मनाली जाते हो, फर्स्ट डे में मनाली से गुलाबा रोलाकोली पहुँचते हो आप 9 किलोमीटर का ट्रैक। डे 2 में आप रोलाकोली से भृगु लेक जाते हो, और वापस वहाँ से रोलाकोली वापस आते हो। डे 3 में फिर आप रोलाकोली टू मनाली के लिए रवाना हो जाते हो। उसके बाद से आप अकॉर्डिंगली दिल्ली या फिर जहाँ भी आपको जाना हो वहाँ के लिए बस बुक कर सकते हो। इस ट्रैक को करने के लिए कोई गाइड की रिक्वायरमेंट नहीं है अगर आप बिगिनर्स भी हो तो, क्योंकि एक सिंपल ट्रैक में काउंट किया जाता है। इस ट्रैक को करने के लिए आपको टोटल 4,000 की ज़रूरत पड़ेगी बजट की। तो अब आते हैं 2nd नंबर का ट्रैक डेस्टिनेशन, जो कि हमता पास है। ये तिब्बत के लोगों के पौराणिक गाथाओं से जुड़ा हुआ है। कहते हैं कि जो पवित्र आत्माएं हैं इसी हमता पास से होकर स्वर्ग लोक को जाती हैं। हमता पास चंद्रताल होते हुए स्पीति वैली को जाता है। इस ट्रिक को करने के लिए 4 से 5 दिन की रिक्वायरमेंट होती है। 0 डे में आप दिल्ली से मनाली जाते हो, फिर फर्स्ट डे में मनाली से आपको जोबरा जाना होता है, फिर जोबरा से चिका। टोटल 4 से 5 किलोमीटर का ये ट्रैक रहता है फर्स्ट डे में। 2nd डे में आप चिका से बालू का गिरा जाते हो, जो कि 8.5 किलोमीटर का ट्रैक है। ये थोड़ा सा डे हेक्टिक रहता है। 3rd डे में आप बालू का गिरा टू सियागुरु जाओगे आप, जो कि हमता पास को क्रॉस करते हुए पहुंचोगे आप। ये टोटल 7 किलोमीटर का ट्रैक है, जो 10 घंटे का टाइम लगता है। अगर आपको चंद्राताल नहीं जाना तो आप हमता पास जाके वहीं से रिटर्न हो सकते हो, तो आपका ये ट्रैक 4 दिन में कम्प्लीट हो सकता है। अदरवाइज अगर आपको चंद्रताल जाना है तो 1 दिन एक्स्ट्रा लगते हैं आपको। 3rd डे में आप सियागुरु पहुंच के, फिर 4th डे में आपको सियागुरु से चंद्रताल जाओगे आप ड्राइव करके, आपको वहाँ से इजीली मोटरेबल रूट मिल जाएगा और गाड़ियाँ भी मिल जाएंगी। डे 5 में फिर आपको शत्रु टू मनाली 85 किलोमीटर का ये डिस्टेंस होगा, जो रोहतांग पास होगा
मनाली पहुँचोगे, फिर अकॉर्डिंगली आप अपने डेस्टिनेशन के लिए बस बुक कर सकते हो। इस ट्रैक को करने के लिए गाइड की जरूरत पड़ेगी और पोर्टर की। अगर आपका गाइड और पोर्टर एक साथ ही मिल जाए तो ज़्यादा बेटर है। और इस ट्रैक का बजट टोटल 6 से 6,500 तक का पड़ेगा। अगर आप गाइड और पोर्टर बुक करते हो तो मे बी ये थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, 7 से 8,000 तक का पहुँच सकता है। अब आते हैं फर्स्ट नंबर का ट्रैक जो टॉप हिट लिस्ट में है, वैली ऑफ फ्लावर एंड हेमकुंड। मानसून ट्रैक में ये वैली ऑफ फ्लावर सबसे बेस्ट ट्रैक माना जाता है। ये ट्रैक उत्तराखंड में है और इस ट्रैक को अगर आप करते हो तो इसके साथ साथ 2 से 3 ट्रैक आपके हो जाते हैं। ये टोटल 5 से 6 दिन का ट्रैक है। 0 डे में आप दिल्ली से ऋषिकेश जाते हो, फिर फर्स्ट डे में आप ऋषिकेश से गोविंदगढ़ जाते हो। इसमें एक आपको बेनिफिट ये है कि गोविंद घाट से 1 घंटे की दूरी पे ही बद्रीनाथ है। अगर आप बद्रीनाथ घूमना चाहते हो तो गोविंद घाट ना उतर के आप डायरेक्टली बद्रीनाथ पहुँचो और शाम को बद्रीनाथ में दर्शन करके आप नाइट स्टे करो। और मानसून के टाइम पे बद्रीनाथ खुले रहते हैं और वहाँ पे आपको बहुत ही कम पैसे में नाइट स्टे करने के लिए होटल भी मिल जाएंगे, तो आप नाइट स्टे वहाँ पे करो। फिर बद्रीनाथ से अर्ली मॉर्निंग आप सुबह 6 बजे निकलो गोविंद घाट के लिए और 1 घंटे में आप गोविंद घाट पहुँच जाओगे। और गोविंद घाट से आप ट्रैक स्टार्ट करोगे घनघरिया के लिए, जो कि 11 किलोमीटर का ट्रैक है सेकेंड डे में। और फिर घनघरिया आप शाम को पहुँचोगे, वहाँ पर आप गुरुद्वारा में स्टे करोगे घनघरिया में। मैं आपको रिकमेंड करूँगा गुरुद्वारा में ही स्टे करना, एक तो आपके एक्सपेंसेस बचेंगे, मगर आप जब वहाँ से वापस आना तो गुरुद्वारा में दक्षिणा जरूर देना ताकि उसी पैसे से आप लोगों को वो खाना और रहने की सुविधा प्रोवाइड करते हैं। थर्ड डे में आप घनघरिया से वैली ऑफ फ्लावर जाओगे और उसी दिन आप वापस आओगे, क्योंकि वैली ऑफ फ्लावर में आप नाइट स्टे नहीं कर सकते। फोर्थ डे में आप वापस गुरुद्वारे में आकर नाइट स्टे करोगे। फिर फोर्थ डे आप हेमकुंड के लिए रवाना होगे, फिर हेमकुंड उसी दिन आप नाइट शाम तक वापस आ जाओगे। और फिफ्थ डे घनघरिया से गोविंद घाट के लिए ट्रैक करोगे, आप नीचे उतरोगे। कोशिश करना आप कि सुबह सुबह 6 बजे निकलो आप, ताकि आप जल्दी से 12 बजे से पहले पहले गोविंद घाट पहुँच जाओ, क्योंकि 12 बजे के बाद आपको बस नहीं मिलेगी ऋषिकेश के लिए, नहीं तो आपको एक दिन और स्टे करना पड़ जाएगा गोविंद घाट में। और फिर वहाँ ऋषिकेश से आप अपना दिल्ली के लिए निकल सकते हो सेम डे में। तो इस ट्रैक को करने के लिए टोटल 5 से 6,000 की ज़रूरत पड़ेगी। इसमें कोई गाइड की रिक्वायरमेंट नहीं है, इजी ट्रैक में काउंट किया जाता है, इजी से मॉडरेट ट्रैक में। हेमकुंड से आप थोड़ा सा मॉडरेट ट्रैक में आते हैं, अदरवाइज वैली ऑफ फ्लावर बहुत ईजी ट्रैक है, ट्रेल्स बनी हुई है, आप इस ट्रैक का आनंद उठा सकते हो। तो ये रहे दोस्तों टॉप 5 मानसून ट्रैक डेस्टिनेशन। आपको अगर इस साल जाना है तो इन 5ों में से कोई आप ट्रैक चूज़ करके इजीली जा सकते हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। अगर आपको कोई और टॉपिक वीडियो चाहिए तो ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।